हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 में लेसन नंबर 5 है उखाणा। तो पहला देखो क्या है, सवारे आवे सांझे जाए, कोई न जाने क्या संता है। यानी सुबह आता है और शाम को चला जाता है, और किधर छुप जाता है किसी को पता चलता नहीं है। तो कौन होगा वो? सूरज। एक पान बीजू पान, पानी अंदर पान, लीला दौड़ा पांदरा सूचे मारो नाम। कि पान रहता है उसके अंदर पान, पान के अंदर पान, पान के अंदर पान, लीले सफेद पान है। तो वो कौन रहेगा? वो रहेगा कोबिज। बे भाई बे सगा भाई, अड़ कहता अड़े नहीं, अड़िस्मा अड़िस्मा कही तो अड़े। के दो भाई सगे और अड़मा बोलेंगे तो क्या करेंगे? वो अड़ेंगे नहीं, और जो अड़िस्मा अड़िस्मा बोलेंगे तो ज्वाइंट होगे। तो वो दोनों कौन होगा? वो है होठ। होठ में अपन अडिस स्पर्श कर तो स्पर्श नहीं करेगा, और स्पर्श मत कर स्पर्श मत कर ऐसा करेंगे तो वो स्पर्श होगा। सरे नहीं पन जन्मे खरी, मो नहीं पन करे आवाज, जन्मी एवी जट मरे चतुर करो विचार। कि जिसका शरीर भी नहीं है फिर भी वो जन्म लेती है, और उसका मुंह भी नहीं है फिर भी वो आवाज करती है, और जैसे ही जन्म लेती है वैसे ही वो तुरंत मर जाती है। तो वो कौन है? चपटी। चपटी का अपन चपटी बजाते हाथ से, तो वो जन्म लेते वैसे तुरंत मर जाती है, उसका मुंह भी नहीं फिर भी वो आवाज करती है। आम जाऊ तेम जाऊ जा साथे जाऊ, नानो था मोटो था ऊंगी जता, ऊंगी जाओ तो संते ही जाओ। यानी इधर जाओ तो अपने साथ आते, किधर भी जाएंगे आगे पीछे तो अपने साथ आता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, और अपन जब सो जाते हैं तब वो छुप जाता है। तो वो कौन है? वो अपना परछाई, अपनी परछाई रहती है, अपन किधर भी जाएंगे तो अपने साथ साथ वो आती है। रहे छे वृक्ष पर पण पक्षी नथी, भरेलू छे जड़ पण ते घड़ो नथी, माथे छे जटा पण जोगी नथी, छे त्रिनेत्र पण शंकर नथी। कि वो वृक्ष भी रहता है लेकिन वो पक्षी नहीं है, और उसके पे पानी भरा हुआ जड़ यानी पानी भरा है फिर भी वो घड़ा नहीं। उसके सर पे क्या है? जटा है लेकिन वो जोगी नहीं है, और त्रिनेत्र तीन आंख है बराबर उसके, लेकिन वो शंकर नहीं है। तो बोलो वो कौन होगा? तो वो रहेगा नारियल। क्या रहेगा? नारियल। नारियल में जड़ पे रहता है, उस पे पानी भी भर रहता है, उसका साधु की चटा रहता है, और तीन आंख रहती है। दुनिया आंखी गर्मा लावे, काम फटाफट करतू, ज्ञानी सौ बारियों खुली एकज क्लिक करतू। कि पूरी आखी दुनिया अपने को कुछ भी बोलेंगे तो वो पूरी दुनिया अपने को दिखा सकती है, फटाफट काम करती है, और अपने जो ज्ञान की बारी वो खोलता है, ये क्लिक करेंगे तो अपने को सब पता चलेगा। तो वो क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर पर अपन कुछ भी सर्च मारेंगे तुरंत अपने को उसकी माहिती देता है। हाले छे पण जीव नथी, चाले छे पण पग नथी, बैठक छे पण बजट नथी, खाय छे पण ते खुटता नथी। कि उसका हिलता है लेकिन उसमें जीव नहीं है, चलता चाले छे पण उसके पैर भी नहीं है, अपन बैठते है लेकिन बजट नहीं, खाई छे पण खुटता नथी। वो क्या है? हिचको यानी कि झूला। कि वो हलन चलन करता है लेकिन वो सजीव नहीं है, उसके चलता है लेकिन पैर नहीं है, और उस पर अपन बैठ भी सकते लेकिन बैठने का जो बजट रहता है वो नहीं है, और कभी भी वो कम होता नहीं, वो झूला। तो इसका आंसर सभी का आप लोग को इसमें लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है वो लिखना है, उसके अन्य उखाना दूसरे उखाने बनाना है, समानार्थी शब्द विरोधार्थी शब्द शब्द समूह केवो केव और केव लिखना है। तो देखो पक्षी तो केव, केरी तो केवी, जीप तो क्या आएगा? केवी, काटा केवा, चांदो केवो, कंप्यूटर केव, नारियल केव, बराबर इतना आप लोग को लिखना है। और उसके बाद है आड़ावड़ा अक्षरों ने कम्मा गोठो, आगे पीछे दिया होगा, र र री तो क्या आएगा? स री र, स क स र तो शंकर, अ ज वा तो अवाज, ज बाठ तो बाजठ,
शब्द क्रम के गोठा निकाय तो क्या है, क ख ग घ हिसाब से गोठा निकाय है, तो जो हिसाब से क ख ग बोल बोल के आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है लेसन। थैंक यू।